केंद्र सरकार द्वारा पारित काला कानून यानी किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को वापस लेने की मांग करते आ रहे कांग्रेस, झामुमो, राजद, टीएमसी, माकपा, आरजेडी और विभिन्न दलों की पार्टियों के नेता फिर से एक बार धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से पूरे भारत में किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर केंद्र की मोदी सरकार काला कानून को वापस नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। उसने जो वैक्सीन किया और उसमें जो मुआवजा देने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है, उसको मुआवजा बढ़ा के दे, ये मांग है। मैंने जितना भी 14 मांग है इसमें, अगर पूरा डिटेल है उसका दे देंगे आप लोगों को, ज्ञापन जब डीसी को देंगे उसमें पूरा डिटेल है। और अभी राष्ट्रपति के यहाँ ज्ञापन देना है डीसी के माध्यम से, अभी हम लोग देंगे 2 बजे के बाद उनको दे पाएंगे। और बहुत जितना भी गलती उन लोगों ने किया, जैसे रेल एकाएक बंद कर दिया, अभी तक रेल रिस्टोर नहीं किया, पैसेंजर ट्रेन नहीं चला, कितना है, मैंने सभी बिंदु पर जो केंद्र सरकार की गलत नीति है उसका सबका हम लोग खिलाफ में आज आए हैं। और पूरे देश का विपक्ष का दल एक है, पूरा देश का, आप लोग वहाँ बैनर में देखिए, लोकल किसी आदमी का फोटो नहीं है। इसीलिए सब लोग हम लोग एक ये फाउंडेशन तैयार किया है जिला वाइज पूरे देश में कि हम सब विपक्षी एकता एक हैं, सभी पार्टी हम लोग मिलकर एक हैं और मोदी की हठधर्मी सरकार को हम लोग हटाएंगे, यही संकल्प लेने के लिए आए। मोदी सरकार को हटाने के लिए आज से हम लोग संकल्प ले रहे हैं, हर जिला हेडक्वार्टर में मोदी सरकार को हटा देंगे, फिर से तिरंगा लाल किला पर फहरा देंगे।